बांदा के नरैनी इलाके में दबंग कोटेदार की करतूत सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार गरीब जनता को राशन नहीं देता। इतना ही नहीं, पिछले दिनों दबंग कोटेदार ने एक युवक की जमकर पिटाई भी की थी, जिसके चलते उसका हाथ टूट गया था। फिलहाल आक्रोशित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से कोटेदार को हटाए जाने की मांग की है। वहीं बांदा से आपको खबर दिखाए जहां दबंग कोटेदार की करतूत सामने आई है। गरीब जनता को नहीं देता है राशन। वहीं जनता के विरोध करने पर जमकर मारपीट की, जिसके चलते एक युवक का हाथ टूट गया है। वहीं दबंग कोटेदारों की दबंगई लगातार सामने आ रही है। गरीब जनता को राशन नहीं देकर करता है परेशान। वहीं विरोध करने पर जमकर की मारपीट, जिसके चलते एक युवक का हाथ टूट गया है। राशन कार्ड की लेकर के आए हैं, 18 लोग हैं, 18 में से भूमिहीन है, भूमिहीन है, अब गरीब है सब लोग, जिनका आज से 14 साल पहले से राशन कार्ड बना है, तो उनका जो है काट करके, जिसके 10-10 बीघे जमीन है उनका बना दिया है, संपन्न लोगों का। और जो गल्ला लेने जाता है व्यक्ति, तो उसका वाहन के मारता है एक व्यक्ति का, जिसका नाम वो है सुक्रू, उसका हाथ तोड़ दिया है। अच्छा, जान से मारने का धमकी भी दे थी। प्रधान कोटेदार दोनों जो है, जो अभी मर चुके हैं, आज से 5 साल 3 साल मरे हैं, उनका लाल कार्ड बन के आ गया।